हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल मिस्टर बॉट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में विंडोज़ टर्मिनल को जब भी ओपन करते हैं पावर शेल को विंडोज़ टर्मिनल के अंदर, तो हमें जो है ये एरर जो है शो होता है, एरर 0x8007002 व्हेन लॉन्चिंग पावर शेल डॉट exe। जब ये एरर आता है तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे पावर शेल की कमांड्स को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। अगर आप पावर शेल को अलग से ओपन करके यहाँ पे कोई भी कमांड्स को अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो अलग से तो एग्जीक्यूट हो जाती है, लेकिन अगर मैं विंडोज़ टर्मिनल की बात करूँ तो यहाँ पे जो है कमांड जो है एग्जीक्यूट नहीं होती। तो चलिए जानते हैं फ्रेंड्स विंडोज़ टर्मिनल में इस एरर को कैसे फिक्स करना है। सिंपल से कुछ स्टेप हैं और इस एरर को हम फिक्स कर लेंगे। तो इसके लिए आपको सिंपली अपने माई कंप्यूटर पर जाना है, राइट क्लिक करना है और इसकी सिस्टम प्रॉपर्टीज़ में जाना है। सिस्टम प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद आप सभी को यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा एडवांस सेटिंग्स का, आपको जो है यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे लास्ट में आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा एनवायरमेंट वेरिएबल्स का, आपको जो है इसके ऊपर क्लिक करना है। सिंपल से कुछ स्टेप हैं और देखिए ये जो है एक्टिवेट हो जाएगा। तो देखिए ऊपर जो है आपको यूज़र वेरिएबल देखने को मिल रहा है और नीचे सिस्टम वेरिएबल देखने को मिल रहा है। हमें क्या करना है फ्रेंड्स, एक पाथ ऐड करना है कहाँ पे, सिस्टम वेरिएबल्स में, ताकि कोई भी यूज़र जो है अगर वो विंडोज़ टर्मिनल को ओपन करे तो उसको ये एरर ना दिखे। तो पाथ में जाना है, आपको यहाँ पे क्या करना है, एडिट करना है। एडिट करने के बाद आपको देखिए विंडो ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको क्या करना है, बस न्यू पे क्लिक कर देना है, न्यू पे क्लिक कर देना है और आपको ये जो पाथ है जो मैं पेस्ट कर रहा हूँ आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इस पाथ को पेस्ट कर देना है आपको और सिंपली क्या करना है, ओके प्रेस कर देना है, ठीक है, और फिर दोबारा ओके कर देना है और लास्ट में भी आपको जो है ओके को प्रेस कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, सिंपल से अपने टर्मिनल को अगर ओपन है तो उसको क्लोज़ कर दीजिए। क्लोज़ करने के बाद आपको दोबारा से इसको रीओपन करना है। जैसे मैं इसको दोबारा से रीओपन करता हूं तो देखिए फ्रेंड्स ये प्रॉब्लम जो है फिक्स हो जाएगी। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं प्रॉब्लम जो है फिक्स हो गई है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ फ्रेंड्स आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।